अब नेक्स्ट आता है टॉपिक, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं यूएचपी क्यों पढ़ रही हूँ। मैं यूएचपी इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि ह्यूमन बींग्स का जो बेसिक एस्पिरेशन होता है, जो बेसिक जो उनकी इच्छा होती है वो क्या होती है ना। तो ह्यूमन बींग की याद रखना, कहीं पर भी यूएचपी में क्वेश्चन आए कि जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है, जो ह्यूमन बींग्स का डिजायर है, जो उनकी इच्छा है वो क्या है, वो है कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस लिखा है, सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ खुश रहना नहीं है, लगातार खुश रहना है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ह्यूमन बींग होगा वो चाहेगा कि वो सुबह खुश रहे और रात में अनहैप्पीनेस आ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ह्यूमंस होते हैं वो चाहते हैं कि वो लगातार हैप्पीनेस में रहे, एक अच्छी हैप्पी स्टेट में रहे। तो वो कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस उनकी सबसे पहली एस्पिरेशन हो गई, और उनकी दूसरी एस्पिरेशन क्या हो गई, प्रॉस्पेरिटी। तो हम आगे समझेंगे कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है। हैप्पीनेस तो सबको पता है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी में लोग कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के हिसाब से, और इसी हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है पेपर में। तो अभी हम समझते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, सबसे पहला हमारा ह्यूमन एस्पिरेशन। तो हैप्पीनेस क्या है, द स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव, इफ देयर इज हार्मनी सिनर्जी इन इट, इट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी टू बी इन दैट स्टेट और सिचुएशन। ठीक है, तो एक ऐसी स्टेट है ना, एक ऐसी स्टेट या फिर एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मैं अभी रह रही हूँ, अगर उसमें हार्मनी है ना, अगर उसमें हार्मनी है तो एक ऐसी स्टेट क्या होगी, मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल होगी। मतलब कि अगर मैं किसी ऐसी स्टेट में हूँ जहाँ पर मैं खुश हूँ, वो जो ऑरा है वहाँ का बहुत हार्मोनियस है, बहुत अच्छा है, तो ये ऐसी चीज़ें क्या होंगी, मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल होंगी, मैं एक्सेप्ट करूँगी ऐसी चीज़, मैं नहीं चाहूँगी कि मैं दुखी रहूँ। सब लोग चाहते हैं कि वो खुश रहे, तो ऐसी स्टेट में हम रहना चाहते हैं, हर लोग चाहते हैं कि ऐसी स्टेट में ही वो रहें। एंड टू बी इन अ स्टेट सिचुएशन विच इज नेचुरली एक्सेप्टेबल इज हैप्पीनेस। और एक ऐसी स्टेट या सिचुएशन जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल होती है और हम चाहते हैं कि हम ऐसी स्टेट में बने रहें, ऐसी स्टेट में ही रहें, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हैप्पीनेस। इस स्टेट को क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं। ठीक है, एंड टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी एंड सिनर्जी इज हैप्पीनेस। और वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि किसी भी स्टेट जहाँ पर हार्मनी या फिर सिनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम हैप्पीनेस बोलेंगे। तो हैप्पीनेस का मतलब क्या है, एच फॉर हैप्पीनेस, एच फॉर हार्मनी। हैप्पीनेस का मतलब है टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी और सिनर्जी इज हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस हमें समझ में आ गया, हैप्पीनेस क्या है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर हार्मनी है, जहाँ पर क्या है, सिनर्जी है, और मैं ऐसी स्टेट में रहना चाह रही हूँ और ऐसी स्टेट मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है, उसको हम क्या कहेंगे, उस स्टेट को हम कहेंगे हैप्पीनेस की स्टेट है। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्ररी अनहैप्पीनेस आ जाता है। अनहैप्पीनेस क्या होगा, जस्ट मेरी हैप्पीनेस का ऑपोजिट। कैसे, द स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव, इफ देयर इज दिस हार्मनी, एक ऐसी स्टेट या सिचुएशन अगर वहां पर जिसमें मैं रह रही हूँ, अगर वहां पर डिसहार्मनी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, इन इट, इट इज नॉट naturally acceptable to me in that state or situation, and to be forced to be in a state situation which is not naturally acceptable is unhappiness, and to be forced to be in a state of disharmony, contradiction is unhappiness, unhappiness मतलब disharmony। वही चीज है, happiness का just opposite है मेरा unhappiness। unhappiness की state में क्या होगा, unhappiness की state में हमेशा disharmony रहेगी, contradiction रहेगा। contradiction मतलब क्या है, ये करूँ कि ये करूँ, हाँ भी है और ना भी है, मतलब किसी जो हमारे जो questions होते हैं, जो हमारे सवाल हैं, उसका सही answer ना ढूंढ पाना, समझ ही नहीं आना कि इसका हाँ करूँ कि ना करूँ, हमेशा हमारे दिमाग में contradiction रहेगा, हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा, और जो हमारी नेचुरली एक्सेप्टेंस है वो हमें नहीं अलाउ करेगी उस स्टेट में बने रहना, उस स्टेट में रहना, उसको हम अनहैप्पीनेस बोलते हैं। और जैसे वहां पर पहले में क्या था, हैप्पीनेस में था कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस स्टेट में बनी रहूँ, कोई नहीं चाह रहा कि वो अनहैप्पीनेस की स्टेट में जाए, लेकिन अनहैप्पीनेस एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर मुझे फोर्सफुली रहना पड़ता है, मैं उस स्टेट से निकल नहीं सकती, अगर जब तक हमें हैप्पीनेस नहीं मिल जाती तो इस स्टेट में हम फोर्सफुली रहते हैं और हैप्पीनेस की स्टेट में हम बने रहना चाहते हैं, हम उससे निकलना नहीं चाहते। तो क्या समझ में आया कि हैप्पीनेस का मतलब हार्मनी होता है, अनहैप्पीनेस का मतलब डिसहार्मनी होता है। हैप्पीनेस में क्या है, हैप्पीनेस में हार्मनी सिनर्जी क्रिएट रहती है, अनहैप्पीनेस में डिसहार्मनी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट रहता है। जो हैप्पीनेस होती है वो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल होती है, अनहैप्पीनेस हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होती है। हैप्पीनेस में हम रहना चाहते हैं, और जो अनहैप्पीनेस की स्टेट होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि हम फोर्सफुली रहते हैं। ठीक है, अब ये मैंने इतना ज़्यादा क्यों समझाया,
ये आप लोग को आगे पता चलेगा, क्योंकि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सिंपल सा चार्ट बनाया गया, इससे आप लोग को और ज्यादा समझ में आएगा कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का क्या होता है। आप लोग चाहो तो इस चार्ट को अपने पेपर में भी बना सकते हो, ज्यादा अच्छे से डिपेक्ट करेगा आपके समझाने को। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यूएचपी में जितने ज्यादा डायग्राम्स आप लोग बनाओगे पेपर में, उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, उतना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन आएगा एग्जामिनर के ऊपर। तो अगर हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के ऊपर पेपर आता है, डिफरेंस आता है बेसिकली, तो आप ये डायग्राम बना सकते हो और नीचे और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। हैप्पीनेस क्या है? सो द स्टेट ऑफ सिचुएशन इन विच आई लिव, वही चीज सेम है यहाँ पर। इफ देयर इज हार्मनी सिनर्जी इन इट, देन इट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी इन दैट स्टेट। एंड इफ देयर इज डिसहार्मनी या कॉन्ट्रडिक्शन, इसको बोल्ड करके लिखना पेपर में, देन इट इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी इन दैट स्टेट सिचुएशन। और फिर एरो लगा के, इससे क्या होगा, जो नेचुरल एक्सेप्टेबल है तो क्या होगा, टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी या सिनर्जी इज हैप्पीनेस, एंड टू बी फोर्स टू बी इन अ स्टेट इज अनहैप्पीनेस। और हैप्पीनेस क्या है, टू बी इन हार्मनी, ठीक है, हार्मनी में रहने को क्या कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं। उसी तरह से अनहैप्पीनेस की स्टेट क्या हो गई, डिसहार्मनी हो गई, ठीक है। तो ये एरोस के थ्रू आप इलस्ट्रेट कर सकते हो कि हैप्पीनेस क्या है और अनहैप्पीनेस क्या है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, जैसे मेरी पहली ह्यूमन एस्पिरेशन क्या थी, पहली ह्यूमन एस्पिरेशन थी कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस लगाना मत भूलना पेपर में, याद से कॉन्टिन्यूअस लिख देना, तो कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा मैंने बताया था कि मेरी है प्रॉस्पेरिटी। तो अब हम समझते हैं कि प्रॉस्पेरिटी क्या होता है। प्रॉस्पेरिटी क्या है, प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। तो एक चीज समझ लो कि प्रॉस्पेरिटी से इतना तो आप लोग समझ रहे हो कि ये फिजिकल फैसिलिटी से डिपिक्ट हो रहा है ना, फिजिकल फैसिलिटी से ये रिलेटेड है, ठीक है। अब प्रॉस्पेरिटी क्या है, प्रॉस्पेरिटी है फिजिकल फैसिलिटीज का जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे आपके घर में एक पंखे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और आपके घर में दो पंखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप प्रॉस्पेरस हो, है ना। अब ये एग्जाम्पल है एक कि जितना हमें फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा अगर फिजिकल फैसिलिटीज है हमारे पास, तो उस स्टेट को हम एक प्रॉस्पेरिटी वाली स्टेट कहते हैं। एक प्रॉस्पेरस पर्सन के तौर पे आप अपने को ले सकते हो कि आप प्रॉस्पेरस हो, आपके पास उतनी चीजें, उतनी फिजिकल फैसिलिटी है जितनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। अब इसमें दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आ जाती है प्रॉस्पेरिटी के केस में। सबसे पहले क्या आती है कि राइट असेसमेंट ऑफ द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी अलोंग विद इट्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी, एंड दूसरा इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी या प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें प्रॉस्पेरस बनना है तो इसमें दो रिक्वायरमेंट्स आती हैं। सबसे पहले क्या आती है, मुझे जो जरूरत है फिजिकल फैसिलिटी की, जैसे हमें पता है कि हमारे घर में एक पंखे की जरूरत है ना, तो उसका सही से असेसमेंट करना कि मुझे कितनी जरूरत है, कितनी फिजिकल फैसिलिटी की जरूरत है, उसका सही से असेसमेंट करना और उसकी सही क्वांटिटी को असेस करने को पहला रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या आ गया, इंश्योर करना कि मेरे पास मैंने कितनी मुझे चाहिए फिजिकल फैसिलिटी, उसको अवेल करवाने के प्रोसेस को दूसरा रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब समझ में आया कि देखो इसमें दो रिक्वायरमेंट क्या हो गई, सबसे पहले रिक्वायरमेंट हो गई कि तुमने चेक किया कि तुम्हें जरूरत कितने की है। जैसे एक पंखे की जरूरत है, मान लो कि एक पंखे की जरूरत है, हमने उसको सही से एसेस कर लिया कि हमारे घर में भैया एक पंखे की जरूरत है। दूसरा क्या है, हमने उसको अवेल करवाया कि हमारे घर में एक पंखा होना चाहिए, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम प्रॉस्पेरस कहलाएंगे, ठीक है। सो वी कैन हैव अ फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी ओनली इफ वी आर एबल टू डू द राइट असेसमेंट ऑफ अ फिजिकल नीड, द राइट असेसमेंट ऑफ फिजिकल नीड अलॉन्ग विद देयर रिक्वायर्ड क्वांटिटी विल कम थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पर वर्ड भी आ गया राइट अंडरस्टैंडिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड आ जाता है कि विदाउट दैट राइट अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट बी अश्योर्ड रिगार्डलेस ऑफ द अवेलेबिलिटी और एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी दैट वी मे हैव बीन एबल टू डू। सिंपल सा मतलब है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि हमें राइट टू असेसमेंट तो करना ही अपनी चीज़ों का, साथ साथ उसकी अवेलेबिलिटी भी करानी है। और ये जो असेसमेंट है और जो उसकी अवेलेबिलिटी है, इसको हम कैसे इंश्योर करेंगे, इसको हम इंश्योर करेंगे अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम इसको चीज़ों को सही से एसेस कर पाएंगे और सही से उसको अवेलेबल कर पाएंगे राइट अंडरस्टैंडिंग की मदद से। और अगर हमारे अंदर राइट असेसमेंट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो आजकल लोग करते हैं कि वो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज़ को एक्यूमुलेट करते ही रह जाते हैं, सिर्फ इकट्ठा करते रह जाते हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ को और सिर्फ उसको अवेल करवाते रह जाते हैं, ठीक है। वो अंदर से प्रॉस्पेरस नहीं होते, अंदर से हैप्पी नहीं होते, वो बस चाहते हैं कि वो जितना ज़्यादा हो सके अपनी फिजिकल फैसिलिटीज़ को एक्यूमुलेट करते रह जाए, गैदर करते रह जाए,
ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को प्रॉस्पेरिटी समझ में आया होगा। जब हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज जितनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है तो उसको हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी के एस्पेक्ट में हमें सही से असेसमेंट करना है अपनी फिजिकल फैसिलिटीज़ का और उसको इंश्योर करवाना है कि हमें वो फिजिकल फैसिलिटीज़ मिल सके। और ये सब जितना प्रोसेस है जो प्रॉस्पेरिटी का, वो हम कैसे कर सकते हैं अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। ठीक, आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाएं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे, तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। PYQ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, AKTU के अंदर जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं, उसका एक्सेस मिलेगा और आपका वीकली इंट्रैक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको उसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ठीक, अब जस्ट एक्सेसिंग द नीड इज नॉट इनफ। अब जैसे मैंने बताया कि हमें सिर्फ नीड को ही एक्सेस नहीं करना है, कि हमें पता है कि एक पंखा चाहिए तो हम सिर्फ उसको एक्सेस कर रहे हैं, हाँ हमें एक पंखा चाहिए, ऐसे नहीं। वी नीड टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। दिस रिक्वायर स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। विद बोथ ऑफ दीज राइट एंड असेसमेंट एंड अवेलेबिलिटी, वी हैव मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। अब ओवर एंड अबव दैट, इट इज अ मैटर ऑफ फीलिंग दैट वी हैव मोर देन इनफ। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है कि हमें सही से असेसमेंट करना ज़रूरी नहीं है, वो तो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ पे क्या है, हमें दूसरा क्या है, हमें उसकी अवेलेबिलिटी भी चाहिए। हम सिर्फ सोचते रहें कि हमारे घर में एक पंखा हो या एक से ज़्यादा हो और हम उसके लिए कुछ करें ना, कोई एफर्ट ना ले, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। हमें उसको अवेल भी करवाना है, हमें उसको सही से लाना भी है कि हमें वो चीज़ अवेलेबल हो जाए, उसका सही से प्रोडक्शन करना है। और ये जो प्रोडक्शन है ये क्या रिक्वायर करेगा, ये हमें स्किल्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना, हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए ताकि हम पैसा कमा सकें, ताकि हमारे पास ये सब चीज़ें हमारी फिजिकल फैसिलिटी से ज़्यादा आ सके। तो ये हो गया मेरे पास प्रॉस्पेरिटी का पूरा केस, कि राइट असेसमेंट हमारी चीज़ों का और उनको सही से अवेल करवाना। अब दूसरा है वेल्थ, दूसरा इसमें आ गया वेल्थ। जैसे हम लोग, मैंने आप लोग को बताया था कि आजकल लोग क्या करते हैं, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को एक चीज़ समझते हैं, लेकिन नहीं, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ UHV के भाषा में अलग अलग चीज़ें हैं। वेल्थ क्या है, वेल्थ रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग रिच और हैविंग एन अबंडेंस ऑफ मटेरियल एसेट्स एंड मनी। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि प्रॉस्पेरिटी क्या है, मेरे पास फिजिकल फैसिलिटीज है उससे ज्यादा होना। ठीक है, वेल्थ क्या होती है, वेल्थ एक रिच होने की स्टेट है, रिच मतलब अमीर होने की स्टेट है, जिसमें क्या होगा, मेरे पास बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटीज है। यहाँ पर मटेरियल एसेट्स का मतलब है कि मटेरियलिस्टिक थिंग बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग को हम यहाँ पर फिजिकल फैसिलिटीज के अंदर लेंगे। ठीक है, तो वेल्थ के केस में क्या हो गया, मेरे पास हद से ज्यादा फिजिकल फैसिलिटीज, क्या लिख सकते हो, अ लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये मेरी हो गई वेल्थ। और प्रॉस्पेरिटी क्या हो गई, मेरे जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी सी ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज होने को हम प्रॉस्पेरिटी बोलेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज है तो उसको हम एक रिच की स्टेट बोलेंगे और उसको हम वेल्थ का टर्म देंगे। ठीक है, अब आता है रिलेशन क्या है वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के बीच में, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। तो वेल्थ क्या है, वेल्थ एक काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, मतलब एक तरीके की प्रॉस्पेरिटी है वेल्थ। ठीक, दूसरा क्या है, प्रॉस्पेरिटी इंक्लूड वेल्थ एज वेल एज अदर फैक्टर्स। ठीक, आप क्या है यहाँ पर, वेल्थ क्या है, वेल्थ है एक टाइप काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, और प्रॉस्पेरिटी के अंदर क्या आ गया, प्रॉस्पेरिटी के अंदर वेल्थ आ गया और उसके साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी मेरे प्रॉस्पेरिटी के अंदर
आ गए। दूसरे फैक्टर्स वही कि राइट असेसमेंट हो गया और उनको सही से अवेल करवाना। ठीक है, अब ये मैंने क्यों समझाया प्रॉस्पेरिटी इतना अच्छे से, वो आप लोग को आगे बताऊंगी मैं जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी पीवाई क्यू के। अब प्रिवेलिंग नोशंस क्या है प्रॉस्पेरिटी के, प्रिवेलिंग नोशंस क्या है प्रॉस्पेरिटी के, जो आजकल के लोग सोचते हैं प्रॉस्पेरिटी के बारे में, वो यहाँ बताया गया कि बाय एंड लार्ज देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी एंड द फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इट इज जनरली अज्यूम दैट द रिचर यू आर द मोर प्रॉस्पेरस यू आर, दैट इज द मोर यू हैव एक्युमुलेटेड द मोर प्रॉस्पेरस यू आर। विद दिस सॉर्ट ऑफ अजम्पशन वी परस्यू प्रॉस्पेरिटी विद एन ऑब्सेशन फॉर प्रॉफिट फॉर एक्युमुलेशन, दिस इज हैपनिंग ऑल अराउंड। द मेजर फोकस इन द सोसाइटी टुडे इज ऑन एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, इन पर्टिकुलर देयर इज मेजर फोकस ऑन एक्युमुलेटिंग मनी। ठीक है, सिंपल से वर्ड में यहाँ पर क्या बताया गया कि आजकल लोग क्या सोचते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज़ को एक्यूमुलेट कर सके, इकट्ठा करते रहे। ठीक है, और इससे क्या होगा, वो प्रॉस्परस महसूस करेंगे। जैसे कि आजकल लोग क्या अज्यूम करते हैं, लोग सोचते हैं कि जितना जो अमीर है, जो जितना ज़्यादा रिच है, वो उतना ज़्यादा प्रॉस्परस है, उतना ज़्यादा खुश है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैं बताऊंगी क्यों है, वो नीचे रीजंस दिए हुए हैं, लेकिन ये समझ लो कि जितना ज़्यादा तुम रिच हो उतने तुम प्रॉस्परस नहीं हो, ये गलत अजम्पशन है लोगों का। ठीक है, आजकल लोग बस यही सोचते हैं कि उनके अंदर क्या है, उनके अंदर ऑब्सेशन है प्रॉफिट को लेके, कि जितना प्रॉफिट हो सके उतना वो ले सके, तो ना वो एक्यूमुलेट कर सके। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि हमें कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि बताती हूँ मैं, तो मेजर फोकस क्या है, बस ये समझ लेना कि आजकल जो का जो मेजर फोकस है सोसाइटी का, वो किस पे है, एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। जितनी फिजिकल फैसिलिटीज लोग एक्यूमुलेट कर पाए, वो सोचते हैं वो उतना अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रीजंस आते हैं। रीजंस क्या है, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लेवल में भी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सुसाइड्स, स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी। तो इंडिविजुअल लेवल पर ये सब प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को डिप्रेशन हो रहा है ना, लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है ना, ये सब चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इन प्रिवेलिंग नोशंस की वजह से। ठीक, लेवल ऑफ फैमिली पे क्या है, ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिलीज, मिसट्रस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ओल्डर एंड यंगर जनरेशन, इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, डाइवोर्स, डाउरी, टॉर्चर एक्सेट्रा। ठीक है, तो फैमिली के लेवल पे क्या है, फैमिली के लेवल पे जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं पैसे की वजह से। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी के इस गलत नोशन की वजह से, मिसट्रस्ट की वजह से, ओल्डर और यंगर जनरेशन में देखा होगा आप लोगों ने कि प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आजकल। उसके बाद रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी आ रही है, डिवोर्स केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये मेरी लेवल ऑफ फैमिलीज में ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है मेरी प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी की वजह से। ठीक है, अब सोसाइटी के लेवल पे क्या हो रहा है, सोसाइटी के लेवल पे हो रहा है ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है, नक्सलिज्म, राइजिंग कम्युनलिज्म, स्प्रेडिंग कैटिज्म, रेशियल एंड एथनिक स्ट्रगल, वॉर हो रहे हैं बहुत दोनों नेशंस के बीच में, बहुत सारे नेशंस के बीच में ये सोसाइटी लेवल पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड एट द लेवल ऑफ नेचर, नेचर के लेवल पे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वाटर, एयर, सॉइल, नॉइस पोल्यूशन, पता है कि ह्यूमन बींग्स कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आसपास के नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब कॉजेज है मेरे प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी में। ठीक है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एन इंटायर इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग आर करेक्ट नोशन अबाउट द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड देयर कॉन्टिन्यूटी। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों वो आ रहे हैं इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर के लेवल पे, क्योंकि हम इनकरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक गलत नोशन अपने बिल्ड कर रहे हैं किसके बेसिस पे, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पे हम एक बहुत ही गलत नोशन क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए हमें इन सब लेवल्स में ये सब दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह से मेरा वीडियो खत्म होता है, आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।